दुनिया के 5 देश जहां हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है, क्या आप जानते हैं कौन से हैं वह 5 देश? सनातन की लहर तेजी से जहां दौड़ रही है, आखिर इन शक्तिशाली देश में किन किन देशों का नाम शामिल है? क्या कोई मुस्लिम कंट्री भी इन देशों का हिस्सा है, या फिर ईसाई धर्म को सबसे ऊपर रखने वाले देशों की यह लिस्ट है? अगर आप इन 5 शक्तिशाली देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया का 3रा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया भर में 1.6 अरब यानी कि 116 करोड़ हिंदू आबादी रहती है, यानी टोटल आबादी का 13.97% हिंदुओं का है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू एशिया महाद्वीप के भारत देश यानी अपने इंडिया में रहते हैं। इंडिया को हिंदुओं का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद समय समय पर यहां रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार देखे गए हैं। भारत में अक्सर दूसरी कम्युनिटी के लोग हिंदुओं को ही मिटाने में लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए आप कश्मीर को ही देख सकते हैं, जहां एक समय ऐसा भी था जब अपने ही देश के हिस्से में मुसलमानों ने हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और आज भारत में हिंदू जनसंख्या सबसे ज्यादा है। पूरे भारत की बात करें तो यहां 110 करोड़ हिंदू रहते हैं। भारत के अलावा हिंदू आबादी का जिक्र हो तो नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देशों का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन देशों के अलावा कुछ शक्तिशाली देश भी हैं जहां हिंदू आबादी तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन से वह 5 शक्तिशाली देश हैं जहां हिंदुत्व की लहर तेजी से दौड़ रही है। लेकिन इन देशों के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 5, गुयाना। वेनेजुएला और सूरीनाम के बीच स्थित है गुयाना। गुयाना दोस्तों दक्षिण अमेरिका का एक देश है, जिसे आप ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, इन हिंदुओं की संख्या इस देश में तेजी से बढ़ रही है। इस देश का आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है। 3,502 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले इस देश को दुनिया का 232वां जबकि 8वां सबसे कम घनी आबादी वाला देश है, जहां 8,16,539 लोग रहते हैं। इन लोगों में 57.4% लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं, यानी देश की ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म की है। लेकिन इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, जिसे 28% लोग फॉलो करते हैं। देश में हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके उदाहरण हमें मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। नंबर 4, सूरीनाम। दोस्तों इस लिस्ट का 4था देश है सूरीनाम। यह देश भी साउथ अमेरिका में स्थित है और यहां भी हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे आप सैन्य शक्ति के आधार पर ज्यादा पावरफुल देश तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, सूरीनाम में सनातन धर्म शांति से पैर पसार रहा है। यहाँ के लोग सनातन धर्म की परंपराओं को अपना रहे हैं और उन्हें पूरे रीति रिवाज से फॉलो भी कर रहे हैं। सूरीनाम में करीब 16 लाख से ज्यादा आबादी रहती है, जिसमें हिंदुओं की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है, यानी कुल 18% जनसंख्या सूरीनाम में सनातन धर्म का पालन कर रही है। यहां सनातन धर्म किसी जोर जबरदस्ती के साथ नहीं फैल रहा, जबकि लोग अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और देश में शांति से हिंदुत्व पैर पसार रहा है। इस देश में आपको चर्च के साथ मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जहां सुबह शाम भगवान की आराधना की जाती है। साथ ही हिंदू धर्म से कई जुड़े त्यौहार भी मनाए जाते हैं। नंबर 3, अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिस शक्तिशाली देश की हम बात कर रहे हैं वह अमेरिका है, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जहां ना हथियारों की कमी है और ना ही यहां ताकत की कोई कमी है। इस देश की आबादी की बात करें तो यहां आपको ज्यादातर ईसाई धर्म का पालन करते ही लोग नजर आएंगे। वैसे तो अमेरिका खुद को एक लोकतांत्रिक कंट्री मानता है और हर धर्म के सम्मान की बात करता है, लेकिन जब भी ईसाइयत को ऊपर उठाने की बात आती है या दिखाने की बात आती है तो अमेरिका कभी पीछे नहीं रहता यह दिखाने की कि उसका देश एक क्रिश्चियन कंट्री है। हालांकि इसके बावजूद इस देश में हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है।
इस्कॉन की संस्था भी यहाँ काफी एक्टिव है। इस देश में आपको सड़कों पर हिंदू धर्म के लोग भजन कीर्तन करते और हरे कृष्णा जपते नजर आएंगे। साथ ही यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जैसे डोनाल्ड ट्रंप हों या फिर बराक ओबामा, सभी हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को और हिंदू कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका में हिंदुत्व तेजी से फैल रहा है और यहाँ सनातन धर्म से जुड़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, फिर चाहे वह दूसरे देशों से आए हों या फिर यहीं के हिंदू हों जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया हो। मौजूदा समय की बात करें तो अमेरिका में 24 लाख से ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, जो कुल आबादी का 0.7% से बराबर है। अगर हिंदू लहर यूं ही दौड़ती रही तो वह दिन दूर नहीं होगा जब यह आबादी 24 से 50 लाख फिर 100 लाख को भी पार कर जाएगी। नंबर 2, ब्रिटेन। अब इस लिस्ट में नाम है दूसरा ब्रिटेन का, यानी वह देश जिसने 200 सालों तक भारत पर राज किया, जिसने भारत को सोने की चिड़िया से कंगाल बना दिया, जिसने भारतवासियों को क्रिश्चियन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसने यहाँ धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेलने की शुरुआत की। लेकिन आज इस देश में हिंदुत्व की लहर दौड़ रही है। हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है, क्योंकि 200 सालों तक भारत पर राज करने वाले ब्रिटेन के लोग आज उसी सनातन धर्म को मान रहे हैं जिसे कभी वह कुचलने की ख्वाहिश रखा करते थे। ब्रिटेन में आप न सिर्फ हिंदू मंदिर देख सकते हैं, बल्कि वहाँ के लोगों का भजन कीर्तन भी शुरू रहता है। मंदिरों में ईश्वर का नाम लेते भी उन्हें देख सकते हैं। ब्रिटेन में न सिर्फ आपको क्रिश्चियन और मुस्लिम जैसे धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को लोग अपना रहे हैं, बल्कि भागवत गीता और रामायण और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों का ज्ञान लेते भी लोग नजर आएंगे। मौजूदा समय में ब्रिटेन में 10 लाख के लगभग हिंदू रहते हैं, जो बड़ी ही शांति से धर्म का पालन कर रहे हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर दूसरे लोगों को भी हिंदुत्व की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ दूसरे धर्म की तरह सनातन धर्म में परिवर्तन का गेम नहीं खेला जा रहा, बल्कि लोगों को बड़े प्यार से हिंदू रीति रिवाज समझाए जा रहे हैं, फिर चाहे वह इसे स्वीकार करें या ना करें। नंबर 1, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन और सूरीनाम जैसे देशों के बाद सबसे ज़्यादा जहाँ हिंदुओं की आबादी देखी जा रही है, जहाँ हिंदू धर्म का पालन देखा जा रहा है, वह है रशिया। जी हाँ दोस्तों, वही देश जहाँ ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो पूरी तरह से क्रिश्चियन कंट्री बन चुका है, वही रूस अब हिंदुत्व अपनाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, फिर चाहे वह सती काजानोवा जैसी फेमस सिंगर, फैशन मॉडल और एक्ट्रेस हों या फिर आम जनता, हिंदू धर्म को यहाँ बड़ी संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं। रूस में मंदिरों की संख्या भी अच्छी खासी है और यहाँ सड़क पर आपको राधे कृष्णा का जाप करते लोग भी नजर आएंगे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि 10वीं शताब्दी से क्रिश्चियन बना यह देश असल में एक हिंदू देश ही था। जी हाँ, 2007 और 2010 से पहले और बाद में भी इन्हीं सालों में हुई कुछ और आर्कियोलॉजिकल खुदाइयों में न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली, बल्कि आर्यन हिंदुओं का शहर भी मिला, जहां कई मूर्तियां जैसे विष्णु जी की मूर्ति, हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक और दूसरी कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो यह बताती हैं कि रूस आज भले ही एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन कभी ये एक हिंदू कंट्री ही रहा होगा। और शायद इसकी ऐतिहासिक कड़ी ही है जो आज लोगों को हिंदू धर्म मानने पर मजबूर कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्रिश्चियन या किसी भी धर्म से जुड़े लोगों को हिंदुत्व में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा, ना ही उन पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती की जा रही है, बल्कि लोग अपने आप ही हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति परंपराओं में वह शांति व सुख नजर आता है जो पैसा होने के बावजूद रशियन के पास नहीं है। इसका एग्जाम्पल सती काजानोवा, जिन्होंने पैसा, धन दौलत, नाम, प्रेम सब कमाया, लेकिन फिर भी उन्हें वह सुख शांति नहीं मिली, इसलिए उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और आज योग सहित दूसरी सनातन क्रियाओं को बड़ी श्रद्धा और पूरी शिद्दत के साथ करती हैं। यह वह समय है जब सनातनी लहर दुनिया भर में तेजी से फैल रही है, हर तरफ हिंदुत्व का बोलबाला नजर आ रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की मान्यताएं और संस्कृति है, क्योंकि हिंदू धर्म कभी भी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करता। हिंदू धर्म हर धर्म का सम्मान करता है, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी देता है और कभी धर्म परिवर्तन जैसे गंदे खेम नहीं खेलता, कभी भी लोगों को फुसलाता नहीं, बल्कि सनातन धर्म में सच कहा जाता है और इसी सच को मानते हुए आज ना जाने कितने लोग हिंदुत्व से जुड़ रहे हैं, वहाँ भी अपनी मर्जी से, जबकि कुछ तो अपने धर्म में रहते हुए भी हिंदुत्व का पालन करते हैं। इसके बाद भी सनातन धर्म या उससे जुड़े लोगों ने कभी उनका मजाक नहीं बनाया, ना ही उन्हें नीचा दिखाया, यही सनातन का कल्चर है। वैसे दोस्तों, इन देशों और हिंदू धर्म के बारे में आपकी राय क्या है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो
तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।